अजमेर संभाग की संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंची, जहां जिला कलेक्ट्रेट सभागार में औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि के साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते, पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा, एडीएम प्रशासन राकेश कुमार और एसडीएम रिया केजरीवाल भी मौजूद रहे। बैठक में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण के जल्द निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाते हुए जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही बैठक के दौरान संभागीय आयुक्त ने खुदरा व्यापारियों के साथ जन सुनवाई भी की, जहां व्यापारियों ने बड़े व्यापारियों के तरह सरकार से कोरोना संकट में राहत प्रदान करने की मांग की। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक ने कहा कि बैठक में जन समस्याओं के साथ सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ व्यापारिक संगठनों से बात करके उनके सुझाव और समस्याओं को भी सुना गया है। हम इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। जन सुनवाई में पूर्ववासियों की समस्याओं को भी हमने सुना और इसमें समाधान के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश भी दिए गए हैं। टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष अतुल शर्मा ने कहा कि आज उद्योग कोरोना लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसके कारण राज्य से रुके हुए अनुदान को प्रदान करने, लॉकडाउन के समय का बिजली माफ करने और फैक्ट्रियों के बिजली बिलों में चंबल के पानी का लगाया गया वाटर शेष की राशि को हटाया जाए। आज भीलवाड़ा जिले में जो अन्य जन समस्याएं हैं उनको भी सुना गया और साथ ही जो विभिन्न हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसमें डायरेक्शंस दिए गए। राजस्थान संपर्क की जो पेंडेंसी है 181 पे, उसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए किस तरह से उसमें प्रभावी तरीके से कार्रवाई हो, इस हेतु डायरेक्शंस दिए गए हैं। हाँ, भीलवाड़ा जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और वस्त्र नगरी है, इसमें जो भी हमारे व्यापारिक संगठन हैं साथ ही इंडस्ट्रियल संगठन हैं उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं और जो उनकी समस्याएं स्पेशली कोरोना के काल में जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसको उन्होंने अंडरलाइन किया है और ये रिक्वेस्ट किया है कि उनकी जो डिफरेंट एक्शन टेकिंग पॉइंट्स हैं उसको राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, उसको हम सक्षम स्तर पर भिजवाएंगे। आज चूँकि जनसुनवाई थी तो सभी तरह के व्यक्ति आए थे और सभी का स्वागत है। अभी भी मैं जो पंचायत समिति है वहाँ पे जाकर जनसुनवाई का कार्य करेंगे, तो यदि कोई उसमें सब तरह के व्यक्ति थे, व्यापारिक संगठन भी थे, शहर के वासी भी थे और पूर्व वाले थे, वे उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं और उसका क्या समाधान किया जा सके इसके लिए संबंधित को डायरेक्शंस दे दिए गए। ये उन्होंने बातें रखी हैं परंतु इसकी निष्पक्षता के लिए एडीएम साहब को कहा गया है कि वे भी इसे ओवरसी करें और एक कैंप के रूप में जो फॉर्म्स वगैरह उपलब्ध ऑब्टेन करने हैं यूआईटी को वो किए जाएं।